गोविंदा की बेटी नर्मदा नहीं करना चाहती है स्ट्रगल। She felt that के subjects are not good and she felt that के ये फिल्म करने के बावजूद उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि ज्यादा करना पड़े, तो उसे मना कर दिया उसने। नर्मदा को नहीं मिल रही है उनकी मनपसंद स्क्रिप्ट। She's waiting. सुना आपने पापा गोविंदा क्या कह रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, यानी कि नर्मदा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए अभी भले करना पड़ सकता है लॉन्ग वे, क्योंकि नर्मदा को नहीं सूट कर रही है कोई स्क्रिप्ट, और जब तक उन्हें उनकी मनपसंद स्टोरी नहीं मिलती नर्मदा नहीं करेगी अपना डेब्यू। उसको इतने साल से उसको ऐसा नहीं है कि उसको फिल्म में ऑफर नहीं हुई, लेकिन If she doesn't like it, she doesn't do it. नर्मदा के डेब्यू की खबर 2 साल से आ रही है। हर किसी को इंतजार था गोविंदा के बाद उनकी बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का, लेकिन गोविंदा की माने तो नर्मदा इंडस्ट्री में कदम रखते ही हिट होना चाहती हैं। वो नहीं चाहती है कि उन्हें कोई स्ट्रगल करना पड़े। ऐसे कुछ समय पहले फिर से उसको फिल्म ऑफर हुई थी, उसने नहीं की। 2 फिल्में ऑफर हुई थी, दोनों नहीं की उसने। एंड शी फेल्ट दैट के सब्जेक्ट्स आर नॉट गुड एंड शी फेल्ट दैट के फिल्म करने के बावजूद उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि ज्यादा करना पड़े, तो उसने मना कर दिया उसने। नर्मदा के साथ की सारी हीरोइंस अपना डेब्यू कर चुकी हैं, फिर चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर परिणीता चोपड़ा हो, ईशा देओल की सिस्टर आहाना हो, या फिर सलमा आला की बेटी जारा खान हो, ये सब किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। ऐसे में गोविंदा को इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि वो खुद अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। आई फील वेरी फेलियर एज फादर दैट मैं फिल्म नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप ऐसा कोई वक्त आए जिसमें मैं मुझे महसूस हो कि मैं उसके लिए कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। लगता है गोविंदा अपनी बेटी की नखरों से काफी परेशान है, तभी तो उन्होंने बता दिया कि वो अपने वक्त में इतने चूजी नहीं थे। हाँ मैं तो हम लोग के यहाँ तो चॉइसेस नहीं थे, हमको तो जो मिला हमने कर दिया, हमको कभी चॉइसेस नहीं मिले। वेल गोविंदा, हम तो यही प्रे करेंगे कि आपकी बेटी को जल्द ही कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए और वो भी इंडस्ट्री में आपका नाम रोशन करे।